अध्यक्ष महोदया जी, विदेश के संबंध में हमारी सुषमा जी कई बार कह चुकी हैं, इसलिए मैं उसको विस्तार में नहीं जाता हूं। लेकिन एक बात नहीं है, निश्चित है कि आज विश्व मंच पर भारत की बात सुनी जाती है। इस विषय में भारत क्या सोचेगा, ये आज दुनिया को पहले सोचना पड़ता है। आज विश्व में कोई निर्णय होते हैं तो निर्णय के पहले आप पेरिस एग्रीमेंट देख लीजिए। पेरिस एग्रीमेंट का फाइनल होने से पहले लगातार दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां टेलीफोन पर भारत से बात करती थी कि ये शब्द रखे या न रखे। यानी आज भारत ने अपनी जगह बना दी है और भारत ने पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में तनाव होगा, लेकिन पैलेस्टाइन इजराइल दोनों हमारे दोस्त हो सकते हैं। सऊदी अरेबिया और ईरान के अंदर तनाव होगा, लेकिन सऊदी अरेबिया और ईरान दोनों हमारे दोस्त हो सकते हैं। हमने इस प्रकार से आज दुनिया के अंदर हमारा विदेश में रहने वाला भारतीय समुदाय, हमने कभी इसकी अहमियत नहीं मानी। अब मुझे खुशी है कि मेरे प्रयत्नों के बाद सभी राजनीतिक दलों को भी विदेश में रहने वाले भारतीयों की तरफ नजर गई है और मैं इसको अच्छा मानता हूं। और विदेश में रहने वाले भारतीय हमारे देश की बहुत बड़ी ताकत है, हमने इसको पहचाना है और आज उसका अनुभव हम कर रहे हैं। हर क्षेत्र में वो हमारी बात को पहुंचा रहे हैं और मुझे खुशी है कि अभी जो प्रवासी भारतीय दिवस हुआ बनारस में हुआ, अब तक के प्रवासी भारतीय दिवस में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व वाला। और खुशी की बात है, कुंभ विश्व ने हेरिटेज के रूप में इसको स्वीकार किया है, लेकिन हम वैसे ऐसे मानसिक बीमारी में फंस गए थे कि कुंभ की बात आए तो भागते थे कहीं सांप्रदायिकता का दाग न लग जाए। लेकिन आज दुनिया के सभी देशों के प्रतिनिधित्व कुंभ के मेले में आ रहे हैं। दुनिया की एम्बेसी के सारे लोग कुंभ में गए और अपने देश का झंडा गाड़ करके आए, उसको ये भारत की ताकत है, भारत का सॉफ्ट पावर है, इसको भी हमने पहले नजरअंदाज किया। आज हम उन चीजों को भी बल दे रहे हैं और इसलिए उस दिशा में भी हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं।